मेरा नाम टाइगर एंड थंडरबोल्ट संतोष नायर है और मैंने वादा किया था आपसे कि हर फ्राइडे मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल। आपको ये कैप्सूल खाना है और जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टीप्लाइंग योर टाइम। हाँ, आपने राइट सुना, मल्टीप्लाइंग योर टाइम। बहुत सारे धंधे वाले हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक सभी काम वो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी काम दूसरे से कराया नहीं जा सकता और उनको लगता है उन जैसे तो कोई कर ही नहीं सकता, और देयरफॉर वो लोग बन जाते हैं कंट्रोल फ्रीक्स। दे बिकम एब्सोल्युटली क्वालिटी कॉन्शियस एंड उनको ऐसा लगता है कि ये काम ये कंपनी में मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, और ये एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है और पूरा टाइम अपना उसमें ही निकलने चालू हो जाता है। इनो रेवेन्यू जनरेटिंग काम भी हमें करना है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम भी हमें करना है, अनप्रेडिक्टेबल काम भी हमें करना है, निश्चित सुनिश्चित प्रेडिक्टेबल कामें भी हमें करना है। एंड यू नो हम लोग ये काम करते करते एकदम हार्ड वर्किंग सिंड्रोम बोलते हैं इसको, हमें बहुत प्राइड फील करते हैं, हम लोग इस बात में बहुत गर्व फील करते हैं कि सब काम मेरे पास आता है, हर काम के लिए लोग मेरे पास आते हैं, हर छोटी बात के लिए मेरे सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता और मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, और हर काम में हम लोग सुपरविजन करते रहते हैं और हमें भयंकर आनंद और सेटिस्फेक्शन आता है कि हर काम मेरे पास आ रहा है। अगर ये सभी चीज ऐसा हो रहा है तो मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं कि आप बन गए हैं रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर का मतलब है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7-8 बजे तक भयंकर काम कर रहे, सुबह से शाम आप इधर जा रहे, प्रोडक्शन देख रहे, सेल्स देख रहे, मार्केटिंग देख रहे, आईटी देख रहे, फाइनेंस देख रहे, उधर जा रहे, एडमिन देख रहे, एचआर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, और पूरा टाइम एक एक आदमी आपको खींचता रहता है और आपका टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चला। दूसरी बात आपका जो तो आप रॉकिंग चेयर के मतलब है, रॉकिंग चेयर क्या होता है, भयंकर हिलना बहुत होता है लेकिन शाम को वह वहीं पर खड़ी है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सिंड्रोम में फंस गए हैं जहां हर चीज आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है कि टाइम का भयंकर प्रेशर होगा और आप बहुत सारे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े जो सपने हैं, बड़ा जो विजन है, बड़ा जो लक्ष्य है वो आप कर ही नहीं पाएंगे। आप टास्क पे टास्क लिए जा रहे हैं। And there is a good news and bad news. Bad news about time is that you have only 24 hours. And the good news is that you don't need more than 24 hours, you know. आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और आप नया लोकेशन चालू कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, नया सिस्टम डाल रहे हैं, नया प्रोसेस डाल रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, आपको काम बढ़ाना है लेकिन आपको लेना नहीं है, आपको देते जाना है, आपको डेलीगेट करते रहना है, आपको अपने आप से काम निकालते रहना है और आपको अपने आप से पूछना है कि ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये काम रेवेन्यू जनरेटिंग है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है। मैं बैठ के वाउचर साइन कर रहा हूं, ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है, ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है। मैं परचेस कर रहा हूं, ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है। मैं आईटी में वेबसाइट देख रहा हूं, मैं वेबसाइट अपडेट कर रहा हूं, मैं बाकी के काम कर रहा हूं, मैं स्टोर्स देख रहा हूं, मैं कलेक्शन देख रहा हूं, ये काम मेरे लिए कौन देख सकता है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं। अगर मैंने किसी को सिखा दिया और उसको मैंने डेलीगेट कर दिया तो मेरा टाइम बचेगा, और अगर मेरा टाइम बच गया तो मेरा टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि हमें करना कुछ नहीं, हमें सब करा के लेना है। इसका मतलब है इंसानों से करा के लेना है, हर काम के लिए आपको पूछना है ये रेवेन्यू जनरेटिंग है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है तो डेलीगेट कर दो। ये प्रेडिक्टेबल काम है यानी निश्चित सुनिश्चित काम है, ये अनप्रेडिक्टेबल काम है या अनिश्चित काम है, यू नो। तो निश्चित सुनिश्चित प्रेडिक्टेबल काम डेलीगेट कर दो। ये काम मेरे लिए कोई कर सकता है कि नहीं, ये काम कौन मेरे लिए कर सकता है, इसको लगातार डेलीगेट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका ध्यान जो है आपका बड़ा पर्पस की तरफ होगा, आपका बड़ा गोल की तरफ होगा, आपका रेवेन्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा, आपका टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि अगर आपको 24 घंटे के अंदर ही सभी करने के चक्कर में, और आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग बताएंगे टाइम मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम कैन नॉट बी मैनेज, क्योंकि टाइम उतना ही है और उस टाइम के अंदर अगर बहुत सारी चीज करने वाले तो टाइम तो
मैनेज नहीं होगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, और टाइम को मल्टीप्लाई इंसान जो दूसरे हमारे लिए कर सकते हैं वो हमारे लिए टाइम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमें अपना एनर्जी को बचाते रहना है, क्योंकि हम लोग चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर है कंपनी का, चीफ रिस्क ऑफिसर है, चीफ एनर्जी ऑफिसर है, चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर है, यू नो चीफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर, चीफ बिलीफ ऑफिसर है, चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर है। हमारे कई अवतार है, ये 7 अवतार जो मैंने बताया, ये अवतार हमें प्ले करना है। हमें सबसे तंदुरुस्त, सबसे मस्त, सबसे फ्री रहना है, ताकि हम बड़ा काम के बारे में सोचे, बड़ा काम को परस्यू करें, बड़ा काम के पीछे जावे। इसके लिए हर काम को डेलीगेट करते रहना है, और कोई भी काम जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है वो आपको नहीं करना है। हर काम को करने के पहले पूछो, ये मेरे लिए कोई कर सकता है कि नहीं, मैं मेल चेक कर रहा हूं, ये मेरे लिए कोई कर सकता है, ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, कोई मेरे लिए कर सकता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और आपको फ्री होते रहना है, फ्री होते रहना है, फ्री होते रहना है, और टाइम मल्टीप्लाई करते रहना है, फ्री होते रहना है, टाइम मल्टीप्लाई करना है, और आपको विजन के ऊपर ध्यान देना है, अपने पर्पस के ऊपर ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है, आपको रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, आपको अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज में ध्यान देना है, आपको रिस्क लेते रहना है, और बाकी के काम करते करते आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कमजोर हो जाएगी, आपको डर लगने लग जाएगा। हर काम आपके पास आएगा तो आप कभी टीम बिल्ड नहीं करेंगे, हर काम आपके पास आएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बिना ये कोई नहीं कर सकता तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने अभी रास्ता आपको बता दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। एक बात याद रखिए, टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। आपको खाली रिजल्ट जनरेशन एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, और बाकी जो एक्टिविटीज, जो दूसरे एक्टिविटीज है जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है लेकिन उसमें भी रिजल्ट है, वो आपको नहीं करना, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर है, और एंटरप्रेन्योर का काम है टू टेक रिसोर्सेज फ्रॉम ए लोअर लेवल टू अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मेरा टाइम मल्टीप्लायर बोल के वीडियो है, उसको देखिए, मेरे टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, और उसके अंदर बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स और इनो तरीके बताए हैं टाइम का मल्टीप्लीकेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर।